ले ली है और आज हम चेकआउट कर चुके हैं होटल से, तो हमें निकाल ही जाएगा। और अभी हम होटल गर्म चला जा रहे हैं बिना दर्जा पे, एक मतलब जानते हो गया, पर मैं बीच बीच में आता हूँ, ये लोग बहुत कंटिन्यूसली से बना रहे व्लॉग। आज हमें पहली बार बेस के बस में जाने का मौका मिल रहा है, हमको एक ही बस में बैठे हैं, बहुत मजा आने वाला है। इनको मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मेरे दोनों बसों में एसी है, तो ये बंदे एसी में ट्रैवल कर रहे, बेचारे दोनों एसी में आ रहे थे जनरल के डब्बों में। आपको इतना गर्म चला गया बस में बैठे हैं बेस के साथ, हमारे बहुत मजे चल रहे हैं, देखो गाने बज रहे हैं और रास्ता तो एकदम प्यारा है, एकदम वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस चल रहा है हमारा। प्रिया बैठे हुए हैं, हमारे बंदा प्रियानुष वो मेजर मिस आउट है, अभी इसके चलाने वाले हम लोग। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं पहाड़ों में, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों का व्यू। क्या आपको पहाड़ दिख रहे हैं? पानी के लिए हम लोग डिक्की खोल रहे हैं बस की, बच्चों को बहुत प्यास लगी है। क्या, क्या, क्या? और अभी हम फ्रेश हो गए, ये देखिए हम यहाँ पे थोड़े फ्रेश हुए, थोड़ा स्नैक्स लिए और अभी सारे बस रेडी है निकलने के लिए। अभी हमें और 2 घंटे, हम लोग पानी का वाटर निकाल रहे थे डिक्की से, तो हमारे लोकेश साहब के वुडलैंड के शूज इतना जोर से, 5000 के शूज लाए हैं ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग में पहनना, रोज शू पहन के घूम रहे हैं। वेद के पैरों में बहुत लगा है, तो हम अभी बर्ड से जाने के लिए रेडी है, लेकिन वेद को लगा है तो हम थोड़ा रुके हैं। I'm sorry. लोकेश अपोलोजाइजिंग। ओके सो इसको मलम पट्टी करते हैं, फिर आपको मिलता है। हम पहुँच चुके हैं अब धर्मशाला, मैक्लोडगंज बोल सकते हो, हमारी बसें लग चुकी है, पर हम व्लॉग बना रहे हैं 1 घंटे के बाद बसें लगने के बाद, क्योंकि यहाँ मची थी भसड़। वो भसड़ में उतरे थे 200 बच्चे अपना अपना बैग निकाल के डालना चाहते थे। 200 बच्चों के लगेज थे 300। सबके एक्स्ट्रा लगेज और सबको अपने लगेज के साथ ही बस में बैठना है। और दूसरी एक चीज थी कि ग्रुपिज्म भी था, तो ग्रुप को अपने ग्रुप का अलग के साथ नहीं बैठना था, तो मेरे को तोड़ना पड़ा, मैंने झगड़े किए, फिर हुआ ये सब कांड। अब आगे मैं खुद जा रहा हूँ, अब मैंने चेक कर लिया है सब कि रास्ते पे कोई बैग वैग तो छूटा नहीं है। अब मैं जाऊंगा और मेरे बस में बैठूंगा और मैं जाऊंगा ऊपर जहाँ है मेरा होटल, जहाँ पे बड़ी वाली वॉल्वो बसेस जाती नहीं है, तो हम जाएंगे ये 12 सीटर या 20 सीटर बसों से, तो ये चलो चेकआउट करते हैं। तो अब ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमारे पास है 4 होटल और हमको डालने हैं 200 बच्चे, तो हमने क्या किया है, हम एक होटल में गए, वहाँ पे सबको खिलाने लग दिया और अब हमारे दूसरे होटल, सो लेट्स चेक हमारा होटल क्या है। ये आप देख सकते हो कि ये कैसे स्टीप पहाड़ी है, यहाँ पे मेरे को गाड़ी चलानी नहीं जम रही। और मेरे को ये देख लो, ये अब मैं चलते हुए और यहाँ हमको एक मेरा दोस्त मिल गया जिसकी बैग इधर घूम घूम गई थी। अरे आला तू, यूनिवर्सिटी में है तो please go for the view. And the view is too fantastic. We have a person standing for a view. Chala. McLeodgan's special dish. यहाँ के स्पेशल ड्रिंक है ये गाइस ना, ये 18 करोड़ का मंगला है। और ये देखो आप एक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी में आ सकते हो। और ये देख रहे हो दूसरों के रूम के एक्सेस भी मिल रहा है, एक रूम में 3 रूम के एक्सेस, आप मजे ही मजे, प्राइवेसी तो यहाँ पे है। अरे इतना चोर होता सड़सड़ ही ना रात को, करेंटली धर्मशाला में है हम लोग और इधर फोटो सेशन चल रहा है, पाटिल और आयुष और लोग की फोटोग्राफी कर रहा है और वेज 12 और धर्मशाला का व्यू है। करेंटली हम मैक्लोडगंज में इन धर्मशाला, सो होटल का टूर कल इन लोगों ने दे दिया रहेगा कल के ब्लॉग में, दे दिया ना तुम लोगों ने होटल टूर,
ओके फाइन, हमें होटल दे दिया है। हम मैक्लोडगंज घूमने वाले हैं, साइट सीइंग होने वाला है, तो हम सब रेडी हो गए हैं। यहाँ पे आउटफिट चेक, लेकिन असली ठंडी आगे जाके आने वाली है। हमारा एक मेंबर थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, ये आयुष भाई थोड़ा बीमार पड़ गया, तकलीफ हो रहा था, बट इज ऑल राइट नाउ, दवाई दिया इसको बराबर। एंड दिस इज द व्यू गाइस, इधर से होटल व्यू, अभी इधर से व्यू देख लो, क्योंकि आई गेस इन्होंने तुमको वो दिखाया रहेगा कि हमारे रूम से क्या व्यू दिख रहा है। सो यही है धर्मशाला का व्यू, और बाकी आई सी यू गाइस लेटर, सी यू। हेलो गाइस, अभी हम हैं मैक्लोडगंज में, तो हमने अभी दोनों बाइक रेंट किए हैं, अब हम जा रहे हैं धर्मशाला और एक टेंपल है वहाँ जाएंगे, तो अभी आपको हम दे बाइक पे। हेलो गाइस, तो मैं आयुष, तो अभी हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला बाइक पे, तो ये आपको बताते हैं, ये है प्रियांश, हेलो, और वो आगे जा रहे हैं हमारे प्रथमेश पाटिल एंड लोकेश। हमने बुलेट हायर किया है, हमने बुलेट हायर किया, हमारा बुलेट लेके दिख नहीं रहा, बट ठीक है, बट मस्त चल रही है, मजा आ रहा है, हेलमेट तो सेक्सी है, ले लूंगा बाद में, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना है। नहीं, मैक्लोडगंज में ना अभी अपन, ओह अभी धर्मशाला, माफ करना। हेलो गाइस, तो अभी बाइक पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा इधर है, ये लोकेश पीछे हमारे साथ, प्रियानु जो आई वेद हमारे साथ पीछे से आ रहे हैं, वो एक घंटा लेट आएगा, तो लेट्स मीट एट धर्मशाला। पीछे था लेफ्ट, पीछे लेफ्ट था, अब भी है, तो रिडायरेक्ट हुआ है वो। बट राइट नाउ धर्मशाला में हम लोग, अभी क्रिकेट स्टेडियम हो गया हम लोग का, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल, एंड रास्ते में चलते चलते एक बारिश हो रही है, हम लोगों को भी नहीं समझ में जा रहा, तो अभी व्लॉग बंद करना पड़ेगा, फोन अंदर रखना पड़ेंगे, उनको बचाना है भाई, आगे के लिए चाहिए, तो अभी के लिए एक देख लो, ये लो आगे में, ये प्रियानुज, आगे पाटिल, बैक, बट जो कंडीशन हो गई है धर्मशाला की, मैक्लोडगंज की, आप खुद देख सकते हैं।
कोहरा ही कोहरा। हम जाते हैं, जा रहे हैं, क्या बेटा रुक गया भाई, सामने एक पहाड़ था बड़ा, पहाड़ दिख नहीं रहा इतना कोहरा है। आगे लोकेश और पाटिल मेरे साथ आ चुका आधे रास्ते शिवा कैफे के लिए। और ये देखो इनके अभी से हालत खराब हो चुके हैं, ये है प्रियनुज, एक मिनट इनको ऐसे दिखा, और ये देखो ये है लोकेश भाई और प्रथमेश भाई। ये अभी से मेरे को पूछ रहे कि हम खीरगंगा कैसे चढ़ेंगे, इन्होंने अभी तक 200 मीटर का ट्रैक नहीं किया है और ये पूछना चाहते हैं। और वहाँ पे देखने अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे धर्मशाला का स्टेडियम भी दिख रहा है। तो ठीक है चलो हम जाते हैं शिवा कैफे। हेलो व्लॉग्स, अभी भी रुके नीचे क्योंकि ये लोग की फटी पड़ी है, तो ये लोग बस ब्रेक के नाम पे फोटो खिंचा रहे, बट एक्चुअली इनको ब्रेक ही चाहिए। द व्यू इज वेरी गुड हियर, और हम जा रहे शिवा कैफे, नीचे होटल है, होटल आइए सबको दिख रहा रहेगा, उधर उधर होटल है। अभी सनसेट देखो, अभी ऊपर जा रहे, वेट बुला रहा है मेरे को, कमिंग 5 मिनट्स, चलो सी यू। वीडियो काट लिया गाइज, ये देखो हम लोग अभी कितने बज रहे हुए, टाइम कितना हुआ, 8:02 हो रहे और कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो खाई है, खाई फ्लैश देखो, रे देखो खाई है खाई, और एक साइड में पूरा डोंगर है डोंगर, ये हम है। अब मैं ये लोग को लेके जा रहा हूँ 20 लोगों को नीचे, अब इसमें तो कितना जिंदे पहुंचेंगे मेरे को मालूम नहीं है, ये वीडियो में भेज रहा हूँ घर पे भाई, ऐसे और देख लेना। अरे ये रुक 2 मिनट, ये बंदे को शांति नहीं है लाइफ में, कॉलेज में भी टॉप मार रहा है, स्विमिंग में भी फर्स्ट आना है, अभी इधर साला चढ़ रहे हैं हम लोग, उसके लिए भी इसको भागना है, क्या हो जाएगा भाई इतना जल्दी चल के तेरे को।